नमस्कार किसान भाइयों, हमारी चैनल आज का मंडी भाव में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और अपने छोटे भाई को प्यार दे, जैसे ही मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो। सभी किसान भाइयों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय जवान जय किसान। अगर जवान और किसान नहीं हो तो देश नहीं, इसलिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, करते हैं बात। किसान भाइयों, हम मध्य प्रदेश की बात करें नीमच मंडी भाव की, तो नीमच मंडी में तेजी और मंदी। गेहूं तारामीरा, डालर, चना, तुलसी बीज, मेथी में आई तेजी। अश्वगंधा, पत्ती, अलसी, मसूर, प्याज, तिल्ली, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और लहसुन रहे नर्म। पहले बात करें गेहूं मिल विचार 1740 से 1780, एवरेज विचार 1780 से 1880, और लोगबन की बात करें 1880 से 2180 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का की बात करें तो 1660 रुपये से 1730 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार की बात करें तो 1950 से 2042 रुपये प्रति क्विंटल। अश्वगंधा पत्ती की बात करें तो 5000 से लेके 1851 रुपये प्रति क्विंटल। अश्वगंधा की बात करें तो 14000 से 37000 रुपये प्रति क्विंटल। अजवाइन की बात करें तो 8000 से 12000 रुपये प्रति क्विंटल। उनालू अजवाइन की बात करें तो 12000 से 13700 रुपये प्रति क्विंटल। अलसी की बात करें तो 6500 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल। इस बगोला की बात करें तो 9000 से 11080 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द की बात करें तो 3000 से 64 रुपये प्रति क्विंटल। और उनालू उड़द की बात करें तो 6400 से लेकर 6700 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की 2700 बोरी की आवक रही, ऊपर में 8665 बिका और फिर कुछ इस तरह रहा, 8600 रुपये प्रति क्विंटल तक दिखा सोयाबीन। और कलौंजी की बात करें तो कलौंजी 11000 से लेकर 20950 रुपये प्रति क्विंटल रही। धनिया की बात करें तो बादामी 5400 से लेकर 6800 रुपये प्रति क्विंटल। ईगल की बात करें तो 6800 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर की बात करें तो 5500 से लेकर 6200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मेथी की बात करें तो 5700 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल। मेथा की बात करें तो 7000 से 7600 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मूंग की बात करें तो मूंग 5700 से 6071 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली की बात करें तो 4170 रुपये से 5750 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तारामीरा की बात करें तो 5700 से लेके 5935 रुपये प्रति क्विंटल। तिल्ली की बात करें तो 6400 रुपये से लेके 9700 रुपये प्रति क्विंटल। रायड़ा की बात करें तो 6400 से लेके 7200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं चने की बात करें तो कांटे वाले चने का भाव 3200 रुपये से लेकर 4700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं विशाल चने की बात करें तो विशाल चना 3300 रुपये से 4650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं डॉलर चने की बात करें तो डॉलर चने में 4400 से लेकर 8500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं तुलसी बीज की बात करें तो 11000 से 20000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं प्याज की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। यह था नीमच मंडी का भाव। अब बात करते हैं मंदसौर मंडी की, तो मंदसौर मंडी का भाव पहले बात करते हैं मक्का की, तो मक्का 6099 रुपये से 1841 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उड़द की बात करें तो उड़द 5100 रुपये से लेकर 6093 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सोयाबीन की बात करें तो 8200 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं की बात करें 1759 से 2181 रुपये प्रति क्विंटल। चना की बात करें तो 4150 से 48 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मसूर की बात करें तो 5500 से 6550 रुपये प्रति क्विंटल। धनिया की बात करें तो 5700 से 6663 रुपये प्रति क्विंटल। लहसुन की बात करें तो 2200 रुपये से लेकर 11700 रुपये प्रति क्विंटल। मेथी की बात करें तो 6320 रुपये से 7300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं अलसी की बात करें तो 6600 रुपये से 7940 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरसों की बात करें तो 6300 से लेकर 7040 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तारा मीरा की बात करें तो 5560 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। इस बगोला की बात करें तो 9150 से 11401 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं प्याज की बात करें तो 715 से लेकर 1696 रुपये प्रति क्विंटल। कलौंजी की बात करें तो 16509 रुपये से 21021 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तुलसी की बात करें 14000 से 17490 रुपये प्रति क्विंटल। डालर चने की बात करें तो 6150 से 8780 रुपये प्रति क्विंटल। तिल्ली की बात करें तो 5600 से 8880
रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मटर की बात करें तो 4501 से 5401 रुपये प्रति क्विंटल। अलसिया की बात करें तो 4730 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल। कुल आवक रही 2800 बोरी की। अब आगे बढ़ते बात करते हम धान मंडी की, तो धान मंडी में सोयाबीन की बात करें 3702 से 8002 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं की बात करें तो 1716 से लेके 2260 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं चना की बात करें 4000 से 5080 रुपये प्रति क्विंटल। डाला चने की बात करें तो 4185 से 8725 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मक्का की बात करें तो 1754 से 1774 रुपये प्रति क्विंटल। बटला की बात करें तो 4195 से 6006 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मसूर की बात करें तो 5390 से 5300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मेथी की बात करें तो 4300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरसों की बात करें तो 5860 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। अब बात करते हैं बैतूल मंडी की, तो बैतूल मंडी में कुछ भाव इस कदर रहा। उड़द का 5200 से 5200 ही रहा। सोयाबीन 4000 से 8401 रुपये प्रति क्विंटल। चने की बात करें तो चना 4151 से 4453 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का की बात करें 1685 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गेहूं की बात करें तो 1716 से 1890 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरसों की बात करें तो सरसों 5451 से 5451 ही रहा। वहीं तुअर की बात करें 5500 से 6219 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर की बात करें तो 5390 से 5591 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग की बात करें 4300 से लेके 5590 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं देवाली टोका मंडी भाव, तो देवाली टोका मंडी भाव में कुछ इस कदर रहा कि गेहूँ 1640 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। जो की बात करें तो जो किसान भाइयों 1970 से लेके 2050 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल रहा। वहीं चने की बात करें किसान भाई तो चने 4100 रुपये से लेके 4560 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और मक्का की बात करें तो 1650 से 1950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं हम बाजरे की बात करें तो बाजरा 1480 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और ज्वार की बात करें तो ज्वार 1400 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं गवार की बात करें तो गवार 3800 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उड़द की बात करें तो 5800 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं मूंग की बात करें तो 5970 रुपये से 6125 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मसूर की बात करें तो मसूर का भाव 5800 से 6350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और सरसों की बात करें तो 6700 से 7450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब आगे हम बात करते हैं प्रतापगढ़ मंडी भाव की, तो प्रतापगढ़ मंडी में कुछ भाव इस कदर रहा। सरसों का 6684 रुपये से 6910 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं अजवाइन की बात करें तो 12060 से 13500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं चने की बात करें तो 4166 से 4551 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। मेथी की बात करें तो वहीं 6552 से 7111 रुपये प्रति क्विंटल दिखा। और मक्का की बात करें किसान भाई हो तो मक्का का भाव 1730 से 2015 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मसूर की बात करें किसान भाई हो तो 5200 से लेके 6420 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। और सोयाबीन की बात करें हम तो 7000 से 8500 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं अलसी की बात करें किसान भाई हो तो 7441 रुपये से 7731 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूँ का भाव 1651 रुपये से 1982 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं प्याज की बात करें 501 से 1860 रुपये प्रति क्विंटल। लहसुन की बात करें तो 2600 रुपये से लेके 9110 रुपये प्रति क्विंटल देखने को बात मिला। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम अपन कोटा मंडी भाव की, तो कोटा मंडी भाव में कुछ इस कदर रहा। पहले बात करते हैं हम बाजरे की, तो बाजरा रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल। और अलसी की बात करें तो अलसी रहा 7972 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तिल की बात करें तो तिल 8500 से लेके 8650 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार की बात करें तो ज्वार किसान भाई वो 1258 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और मक्का की बात करें तो 1401 से 1701 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं जौ की बात करें तो 1912 रुपये से लेके 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मेथी की बात करें तो 5152 से लेके 6000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं उड़द की बात करें किसान भाई तो उड़द का भाव 5700 रुपये से लेके 6300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वो वहीं चने की बात करें तो किसान भाइयों 4201 रुपये से लेकर 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक चने का भाव देखने को मिला। वहीं धान की बात करें किसान भाइयों तो धान का भाव
1500 रुपये से लेकर 2300 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं धनिया की बात करें तो 6901 रुपये से 6200 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं सरसों की बात करें किसान भाइयों तो सरसों 6751 रुपये से लेके 6950 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं सोयाबीन की बात करें किसान भाइयों सोयाबीन 7700 से 8500 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं लहसुन की बात करें किसान भाइयों तो लहसुन का भाव 4050 से लेके 5500 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। वहीं गेहूँ की बात करें हम तो 1771 से 1870 रुपये प्रति कुंटल रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम इंदौर मंडी भाव की, तो किसान भाइयों इंदौर मंडी में देखते डॉलर चना 2805 रुपये से 8855 रुपये प्रति कुंटल। गेहूँ बात करें तो 900 रुपये से लेके 2271 रुपये प्रति कुंटल। विशाल चने की बात कर लें किसान भाइयों तो विशाल चना 4310 से 4900 रुपये प्रति कुंटल। वहीं सोयाबीन की बात करें 6000 से लेके 8915 रुपये प्रति कुंटल। और धनिया की बात करें तो 6610 से लेके 7330 रुपये प्रति कुंटल। मूंग की बात करें किसान भाइयों तो 2600 से लेके 6625 रुपये प्रति कुंटल। वहीं बटला की बात करें तो किसान भाइयों इंदौर मंडी में बटला का भाव 1600 से लेके 5340 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं मक्का की बात करें किसान भाइयों तो मक्का 1776 से 1776 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। मिर्ची की बात करें तो 4590 से 8900 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। वहीं सरसों की बात करें तो 4605 से 4605 ही देखने को मिला। तुअर की बात करें तो तुअर इंदौर मंडी में 5685 ही देखने को मिला। और प्याज की बात करें तो 500 से लेके तो 1800 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। वहीं हम लहसुन की बात करते हैं किसान भाइयों तो लहसुन 1000 से 700 रुपये 7000 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। और आलू की बात करें तो आलू 400 रुपये से 900 रुपये प्रति कुंटल देखने को बात मिला। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम हरदा मंडी की, तो हरदा मंडी में सबसे पहले बात कर लेते हम गेहूँ की, तो गेहूँ 1730 से 1755। चना की बात करें 1740 से 1776 से लेके तो चना की बात करते हैं तो चना 4076 से लेके 4641 रुपये प्रति कुंटल। तुअर की बात करें 2160 से लेके 4601 रुपये प्रति कुंटल। सोयाबीन की बात करें तो 5951 से लेके 7947 रुपये प्रति कुंटल। वहीं हम मूंग की बात कर लेते हैं तो मूंग 3200 से लेके 6250 रुपये प्रति कुंटल। और मक्का की बात करते हैं तो 1682 रुपये से लेके 1683 रुपये प्रति कुंटल। वहीं सरसों की बात करें किसान भाइयों तो सरसों 6200 से लेके 6591 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं कांटे वाले चने की बात करें 3750 से 4000 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं बाजरे की बात करें तो 1326 से लेके 1350 रुपये देखने को मिला। वहीं उड़द की बात करें तो 2801 से लेके 5501 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। अब बात करते हैं भवानी मंडी की, तो भवानी मंडी में चने की बात कर लें तो चना का भाव 4000 से लेके 4400 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं मेथी की बात कर लें तो मेथी 5800 रुपये से लेके 6600 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला। कलौंजी की बात करें तो 17000 से लेके 19800 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं सोयाबीन की बात करें तो 8000 से लेके 8550 रहा। वहीं सरसों की बात करें तो सरसों 6300 से लेके 6700 रुपये प्रति कुंटल रहा। धनिया की बात करें 5500 से लेके 6800 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं मसूर की बात करें 5300 से लेके 6350 रुपये प्रति कुंटल रहा। अलसी की बात करें 6400 से 7200 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं उड़द की बात कर लें तो उड़द 2500 से लेके 6200 रुपये प्रति कुंटल रहा। ये मध्य प्रदेश की कुछ चुनिंदा मंडियों के भाव थे, जिनमें इंदौर नीमच धार प्रतापगढ़ जैसे कुछ नामी मंडियों के भाव थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को ऐसे ही प्यार देना जो मेरी मेहनत का फल मिले, और मैं आगे ही आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए।